छतरपुर से एक मामला सामने आया है जहां पुलिस प्रशासन की टीम ने एक मृत महिला की कब्र खोदकर उसे निकाला और हिंदू रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। मंदिर के पुजारी ने उनकी मां की मृत्यु के बाद मंदिर के पास ही उनकी समाधि बना दी थी, जिसका हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया, जिसके बाद शव निकालकर अंतिम संस्कार किया गया। मामला शहर की आस्था केंद्र मोटे के महावीर मंदिर का है, जहां के पुजारी कमलेश गुप्ता ने अपनी मां की मौत के बाद हिंदू रिवाज से दाह संस्कार करने की बजाय मंदिर कैंपस में ही समाधि बना दी, जिस पर हिंदूवादी संगठन पुजारी कमलेश गुप्ता की इस हरकत पर नाराज हो गए। उन्होंने सड़क पर उतरते हुए नाराजगी व्यक्त की और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर ही दफन शव को मंदिर परिसर से खोद कर बाहर निकाला और विधि विधान से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कराई। इस पूरे मामले में मंदिर के पुजारी कमलेश गुप्ता का कहना है कि यहाँ पर शरीर महाराज की समाधि बनी हुई थी, जिसकी हमारी माता जी ने सेवा की और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी जब भी मृत्यु हो तो उन्हें यहीं पर स्थान दिया जाए, इसलिए हमने उनकी समाधि बनाने का काम किया, लेकिन यहाँ पर कुछ हिंदू संगठनों को आपत्ति हुई, जिसका प्रशासन ने मुझे अल्टीमेटम दिया, तो आज प्रशासन ने यहाँ पर यह कार्रवाई की है, लेकिन मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि उसको हम पूरा नहीं कर पाए। 16 वर्ष हमने नया मोहल्ला में RSS की प्रमुख शिक्षक रही, शाखा लगाई, उसके बाद में श्री महाराज ने समाधि ले ली, माने तो माँ जी की उनकी सेवा में रही, वो हमारे साथ में आ गई, श्री महाराज की समाधि लगी 63 में, फिर महादेव सिंह दाऊ जी की समाधि यहीं पर लगी है। उसी सन 77 में हमने अपनी माता जी की उनकी अंतिम इच्छा थी कि बेटा हमने श्री महाराज की सेवा की है तो हमको इन्हीं के पास में रखना। हम लोगों को ऐसी जानकारी 15 तारीख को मिली कि संत शरीर आश्रम में रहने वाले कमलेश गुप्ता जी द्वारा अपनी माता जी के गुजर जाने पर संत शरीर समाधि के बिल्कुल बगल में अपनी माता जी की शरीर को दफन करके वहां पर समाधि बना दी गई है, जिसके विरोध में हम लोगों ने 15 तारीख को जाकर के थाने में रिपोर्ट करी थी, परंतु ज्ञापन दिया था, परंतु वहां अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम लोग श्रीमान कलेक्टर महोदय को इस संबंध में ज्ञापन देने जा रहे हैं, किसी गृहस्थ महिला को किसी भी तरीके से संत शरीर आश्रम संत शरीर महाराज की समाधि के बिल्कुल बगल में समाधि देना या उनको गाड़ देना, ये बिल्कुल कतई भी हम लोगों को स्वीकार नहीं है। वहाँ पे जो मोटे महावीर हनुमान मंदिर है, यहाँ का धार्मिक स्थल है, वहाँ के जो पुजारी कमलेश गुप्ता थे, वहाँ पास में एक बाबा जी का और भी जो पुराने संत थे जो दफनाया गया, उसके पास में ही उन अपनी माँ को उन्होंने दफनाया था, जिस बात को लेकर के सामाजिक स्तर में अलग अलग समाज के लोगों ने कल प्रशासन को और पुलिस को ज्ञापन दिया था। बाद में सबकी आपसी सहमति से आज वो डेड बॉडी को वहाँ से निकाल के उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।